नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टों से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती के शरीर में कई सारे परिवर्तन आते हैं। हार्मोन्स के बदलाव के कारण गर्भवती को मसूड़ों में सूजन, दांतों में दर्द या जलन और मसूड़ों में खून का आना जैसे कई सारी समस्याएँ भी उत्पन्न होती है। यदि आप गर्भावस्था में अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है तो आपको दांतों की समस्या से जूझना पड़ सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत बार यह पूछा गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि टूथेक होता है तो क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दांतों का ख्याल कैसे रखना है, वह कौन से कारण हैं जो दांतों को तकलीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान दांतों की कौन सी समस्याएं पाई जाती है और उनसे कैसे राहत पाई जाए, तथा अपनी दांतों की सुरक्षा कैसे करें गर्भावस्था में। सबसे पहले देखते हैं गर्भावस्था में दांतों की तकलीफ होने के क्या क्या कारण होते हैं। गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस के कारण गर्भवती के दांतों की अलग अलग समस्याएँ उत्पन्न होती है, जैसे दांतों में दर्द उठना, मसूड़ों में जलन होना, मसूड़ों से खून निकलना इत्यादि। गर्भावस्था में यदि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो भी प्रेगनेंसी में दांतों से संबंधित समस्याएं होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से भी दांतों की समस्याएं हो सकती है। दांतों में फंसा भोजन या टार्टर को निकालते समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह थे कुछ कारण जो गर्भावस्था में रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूथेक के लिए। अब जानते हैं कौन कौन सी दांतों की समस्याएं गर्भवती को हो सकती है। पहला है मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में जलन होना और मसूड़ों की संवेदनशीलता का बढ़ना। यह समस्या काफ़ी सारी प्रेग्नेंट लेडी को होती है। दूसरा है दांतों में दर्द होना। गर्भावस्था में मीठा खाने की इच्छा होती है, ज़्यादा मीठा खाने से दांतों में कैविटी फॉर्म होती है, किड लग जाती है और फिर दांतों में दर्द उठता है। मसूड़ों में सूजन आना, यह भी गर्भावस्था में कॉमनली पाया जाता है। तीसरा है मुंह से बदबू आना। यह दांतों में फंसे हुए भोजन के कारण या आपका डाइजेशन यदि ठीक नहीं है तो उसके कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी मुंह से बदबू आना यह देखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस तरह की बातों की तकलीफों से कैसे छुटकारा पाए, क्या उपाय आप कर सकती है। एक्चुअली गर्भावस्था में पेन किलर नहीं दी जाती है, तो जब आपको ऐसी तकलीफ होती है तो कौन कौन से घरेलू उपाय आप कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको दांतों की तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। नंबर वन, लौंग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक ऐसे गुणों से परिपूर्ण है, इसीलिए आपको 2 लौंग बारीक पीस कर कोकोनट ऑयल में उसे मिलाकर उस मिश्रण को कॉटन से दर्द जहाँ पे है उस स्थान पर लगाना है। दिन में 2 से 3 बार आप यह क्रिया कर सकती है तो आपको जल्दी से दांत दर्द से छुटकारा मिलेगा। नंबर 2, नमक के पानी से कुल्ला करना। आपको नमक के पानी से कुल्ला करना है। नमक के पानी से मुंह में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट होने में मदद मिलती है, तो यदि आपको दांतों की समस्या है तो नियमित नमक के पानी से कुल्ला आप कीजिए। तीसरा है हल्दी। हल्दी का उपयोग आप दांतों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कर सकती है। 1 चम्मच हल्दी को पानी में मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कीजिए और दर्द के स्थान पर उसे उस पेस्ट को आपको लगाना है। हल्दी में एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं जो मैजिकली आपके दांतों की तकलीफ से आराम आपको देने में मदद करते हैं। 4th है पुदीने के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करना। यदि आप ऐसे करती है तो आपको तुरंत आराम मिलेगा दांत के दर्द से। तो यह थे कुछ घरेलू उपाय जो आपको दांतों की तकलीफ से आराम देंगे। यदि इन उपायों को आप करते हैं और फिर भी आपको
तकलीफ होती है तो आपको पेन किलर ना लेते हुए आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकती है। गर्भावस्था में होम्योपैथिक मेडिसिन सुरक्षित होती है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। पहला है, आपका ब्रश नरम ब्रिस्टल वाला हो और दिन में दो बार आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकती है। नंबर दो, आपको ब्रश के बाद नमक वाले पानी से कुल्ला करना चाहिए जिससे ओरल हाइजीन अच्छी रहे। तीसरा है, ज़्यादा मीठा खाना अवॉइड कीजिए और मीठा खाने के बाद कुल्ला ज़रूर कीजिए। चौथा है, कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अधिक पाए जाने वाले पदार्थों को आपको खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम युक्त पदार्थ आपको गर्भावस्था में लेने हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, मछली आदि। इनमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आपको अपने दांतों की सुरक्षा करनी है। अगर इन उपायों के बावजूद आपको दांतों की तकलीफ होती है तो डेंटिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। और अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वीडियो में भी नीचे स्ट्रिप दी हुई है। यदि आपको संजीवन गर्भ संस्कार ऑनलाइन वर्कशॉप के संबंध में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी सवाल आपके हैं तो आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकती है, व्हाट्सएप भी आप कर सकती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ, और बनाइए आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। धन्यवाद।